पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के आज के इस वीडियो में हम पाइथन कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और नोट को यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दो वेरिएबल बनाते हैं। फर्स्ट वेरिएबल वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं 10, और एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल y इज इक्वल टू, यहाँ 5 स्टोर करते हैं। अब यहाँ एक लॉजिकल कंडीशन बनाते हैं, x ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे एंड y लिखेंगे। मीन्स हमारे 10 जो है 5 से बड़ा है, और इसे हम इफ स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। यहाँ इफ लिखेंगे इसके पहले, और इसके जस्ट बाद कोलन लगाएंगे एंड देन प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे। इन्वर्टेड कोट्स में लेंगे x इज ग्रेटर देन y, तो अगर हमारा x ग्रेटर देन y ये ट्रू होता है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो भी हमने प्रिंट के अंदर लिया है ये प्रिंट होके आ जाएगा। रन करेंगे तो ये हमारा प्रिंट होके आ गया। मीन्स हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है। लेकिन अगर ये वैल्यू इक्वल होती तब उस केस में, जैसे मैं इसे 5 कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 5। अब इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे, एलिफ एलिफ लिखेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू दो बार लगाएंगे, क्योंकि इक्वल करने के लिए दो बार ही हमेशा ऑपरेटर्स यूज होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर जब भी आप यूज करेंगे तो इक्वल लगाने के लिए दो बार मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद y लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, प्रिंट यूज करेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे, इन्वर्टेड कोट्स में स्टेटमेंट लिखेंगे या स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग बनाते हैं x इज इक्वल टू y, मीन्स कि अगर बड़ा होगा x का वैल्यू तो ये प्रिंट होगा, और इक्वल टू होगा अगर इक्वल होगा बिल्कुल एक जैसी दोनों वैल्यू होंगी तो हमारा जो एलिफ के अंदर हमने प्रिंट के लिए स्टेटमेंट बनाई है ये हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। रन करेंगे तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू y, मीन्स x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है। लेकिन अगर हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है या उससे कम है, x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो उसके लिए एक और हम कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारी ये स्टेटमेंट x इज इक्वल टू y अगर ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हम एल्स में एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, एल्स कोलन लगाएंगे और प्रिंट करेंगे, प्रिंट में कोई भी एक स्टेटमेंट स्ट्रिंग लिखेंगे x इज लेस देन y। रन करेंगे तो आप देखेंगे x इज लेस देन y ही प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू से कम है। क्लियर ऑल? अब आप इन तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे जो भी आप लॉजिक डेवलप कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप जो भी ट्रू स्टेटमेंट होगी वो अपने आप से प्रिंट होके आ जाएगी। अब आप यहाँ कोई वैल्यू अगर चेंज कर दे, सपोज मैं x इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ और मैं रन करूंगा, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन y, मीन्स हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट ही हमें बता दे रही है कि x के अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है वो y की वैल्यू से ज्यादा है। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद इफ स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज करेंगे। मैं यहाँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल z इज इक्वल टू, यहाँ हम 10 लिखेंगे, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एंड ऑपरेटर को लेता हूँ। इफ के साथ हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। मैं यहाँ एक कंडीशन ऑलरेडी हमने बना रखी है, एक और बनाएंगे एंड के साथ, उसे जोड़ेंगे, जैसे x ग्रेटर देन z। जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर में एंड को यूज करते हैं तो हमारी जितनी भी हमने कंडीशंस बनाई है, चाहे वो दो है या दो से ज्यादा हो, सभी को पूरा होना पड़ेगा, मीन सभी को ट्रू होना पड़ेगा, तभी हमारी जो भी हमने प्रिंट के लिए स्टेटमेंट बनाया है या हमने स्ट्रिंग बनाया है वो स्ट्रिंग तभी हमारा प्रिंट होके आएगा। तो हमारा स्ट्रिंग तभी प्रिंट होगा अगर x y से बड़ा होगा और साथ ही साथ x z से भी बड़ा होगा। तो रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया, x इज ग्रेटर देन y, और साथ में हम यहाँ लिख लेते हैं एंड z। अगेन रन करेंगे तो आप देखेंगे x इज ग्रेटर देन y एंड z। क्लियर करेंगे, इसके बाद लॉजिक ऑपरेटर में और को देखेंगे, एंड के प्लेस पे और लिखेंगे, और में हमारी दो या दो से ज्यादा जितनी भी हमने कंडीशंस बनाई हैं, सभी कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा जो भी स्टेटमेंट हमने या स्ट्रिंग हमने बनाया वो प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ z की वैल्यू को 30 कर देता हूँ, तो अब मेरा 30 20 से बड़ा है, लेकिन मेरे जो हमने कंडीशंस बनाई है उनमें x ग्रेटर देन z होना चाहिए या x ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो यहाँ हमारा y वाली कंडीशन तो ये कंप्लीट होती है, यानी ट्रू होती है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो अगर फॉल्स
फॉल्स होगी एक और एक ट्रू होगी, तो और के केस में हमारा प्रिंट होके स्टेटमेंट आ जाएगी। दोनों में से कोई एक भी हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास प्रिंट वैल्यू आएगी। यानी इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, y तक रखेंगे, रन करेंगे तो x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे। यहाँ हम इफ नॉट लिखेंगे और सिर्फ एक ही कंडीशन देंगे, x ग्रेटर देन z। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। नॉट हमेशा एंड का अपोजिट होता है। जो एंड में फॉल्स के अंदर प्रिंट होगा वही नॉट में ट्रू के अंदर प्रिंट होता है। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट हमारी एक तरीके से फॉल्स है, तो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे z या नोट भी लिख देते हैं, प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमारे जेड एक्स से बड़ा है, तो यहाँ नोट एक्स ग्रेटर देन जेड स्टेटमेंट हमारी नोट के केस में ट्रू है लेकिन एंड के केस में फॉल्स है। रन करेंगे तो आप देखेंगे एक्स इज नॉट ग्रेटर देन जेड, ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट, एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते। साथ ही साथ आप इफ स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और एंड नॉट को यूज कर सकते हैं, और आप कोई भी लॉजिक बना के उसे अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।